हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एज यू ऑल नो कि असी पी एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिदियाँ कि तुहानू रेगुलर मैथ साइंस ते एसएसटी दी वीडियोज़ मिल रही हैं। असी कोशिश करांगे बहुत जल्दी कि तुहानू इंग्लिश, पंजाबी या फिर साइकोलॉजी भी प्रोवाइड करवाई जाए। साड़ियां कोशिशां चल रही हैं कि तुहानू अगर नाल नाल ये भी प्रोवाइड करवा दिए फिर तो अपना फुल फ्लेज कोर्स ही बन जाएगा। अदरवाइज मैथ साइंस और एसएसटी तो अपनी कंटिन्यू चलनी ही चलनी है। थोड़ा एक्स्ट्रा कोशिश कर रहे हैं कि अगर बोनस मिल जाए तो है ना। बस यही गुजारिश है कि तुसी साड़ी मोटिवेशन बने रहो, साड़ियां जिम्मेवारियां वधाते रहो। जिन्ना असी जिम्मेवार बनांगे, जिन्ना असी रिस्पोंसीबल बनांगे, उन्ना तुहाडा फायदा होगा। तो साढ़े रिस्पोंसीबल बनन दा रीजन या रिस्पोंसीबल बनन दा तरीका सिर्फ एक, वीडियोज़ नूं वध तो वध शेयर करो। जिन्ने लोग साढ़े नाल जुड़नगे उन्ना असी मोटीवेट होवांगे, उन्ना असी रिस्पोंसीबल बनांगे, है ना। खैर, पिछले लैक्चर दे विच बच्चे अपने कवर किया सीगा मौरियंस बारे। अपने देखिया सीगा या अपने पढ़िया सीगा कि जो सुपना, जो ड्रीम नंदा डायनेस्टी ने, आपां उस तो पहला जिहड़ी डायनेस्टी सी मौरियंस तो पहला जो डायनेस्टी सी नंदा डायनेस्टी, जो सुपना नंदा डायनेस्टी ने लिया सीगा एक ऑल इंडिया एम्पायर खड़ा करन दा, ओ वाला सुपना मौरियन एम्पायर ने पूरा किया है। मौरियन एम्पायर ने बच्चे ऑल इंडिया सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनाया। उस एम्पायर दे विच सानू जानकारी कित्थों कित्थों मिलती है उहदे बारे आपां पिछले लैक्चर दे विच कवर किया सीगा। पिछले लैक्चर दे विच आपां देखिया सी कि इंडिका की आ, इंडिका बुक किने लिखी आ, अर्थशास्त्र की आ, अर्थशास्त्र बुक किने लिखी आ, कौटल्या कौन सीगा, कौटल्या नूं होर किहड़े किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा है, विशाखा दत्ता की सीगी, मुद्रा राक्षस की सीगा, या फिर अशोक दियां अलग अलग इनस्क्रिप्शन, अशोक दे शिलालेख, इन्हां बारे आपां ने डिटेल दे विच जानकारी लैती सी। अज दी इस वीडियो दे विच तुसी नाम पढ़ रहे हो मौरियन रूलर्स, मतलब कि केड़े केड़े मौरियन रूलर्स सीगे जिन्होंने रूल किया, जिहड़े मौरियन रूलर्स आए, ठीक है। उन्हां बारे अज दी इस वीडियो दे विच आपां ने डिस्कस करना है, आपां ने कवर करना है। सो आपां शुरुआत करदे हां, पर शुरुआत तो भी पहला मैं तुहानूं थोड़ी जिही इक स्टोरी दसनी चाहांगा। अपने पिछली वीडियो दे विच, पिछले लैक्चर दे विच आपने कवर किया सी कि जो मैगस्थनीज आ, मैगस्थनीज किसका राजदूत सीगा, सेल्क्यूस निकेटर का, सेल्क्यूस निकेटर का है राजदूत सीगा, बट सेल्क्यूस निकेटर भी किसी के अगे काम करता सी। सो आपां इह सारा हुण इक थोड़ी जिही स्टोरी जानण की कोशिश करांगे, ठीक है। हुण देखो, एक ना अलैगजेंडर, सिकंदर, सिकंदर महान, ये वाले नाम अपना हिस्ट्री च अक्सर सुने ने। ईवन के गाणियां दे विच भी अपने सिकंदर महान का जिक्र सुने है ना। सो सिकंदर महान की आ, या फिर सिकंदर महान उस टाइम इन्ना हवा जिहा क्यों बनया होया सीगा। अपने पिछलियां लैक्चर्स दे विच भी कवर किया कि वह हमला तो करन आ रहा सीगा, बट उस तो पहले ही उहदियां जिहड़ियां फौजां सीगियां उन्होंने जवाब देता सी कि असी इस तो अगे इंडिया दे विच असी हमला नहीं करना हैगा। धनानंद टाइम आपां ने कवर किया सीगा कि असी हमला नहीं करना हैगा, बल्कि जदों वापसी कर रहा सीगा अलैगजेंडर या सिकंदर जदों वापसी कर रहा सी तां बेबीलोन दे विच जाके उहदी डैथ भी हो गई सीगी, आपां ने उह कवर किया सीगा। सो आपां अगे बच्चे इह कवर करना, आपां अगे नूं डिस्कस करदे आ कि सिकंदर जो महान, अपने अक्सर आप बारे पढ़िया है सिकंदर महान का, अगे मतलब कि इन्हें बहुत सारे एम्पायर खड़ा किया हुआ सीगा, इन्हें बहुत सारिया जगावान जितया हुआ सीगा, जितते ही अगे वध आ रहा सीगा। सो इहदा एक राह सीगा, जनरल सीगा, मतलब कि यह समझ लो कि इन्हें एक अगे बंदा रखा हुआ सीगा राजभाग सांभण वास्ते, सारा सिस्टम नूं मेनटेन करन वास्ते इन्हें एक बंदा रखा हुआ सीगा अगे, आपां इह चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। उहदा नाम सीगा सेल्क्यूस निकेटर। तो सेल्क्यूस निकेटर कंट्रोल करता सीगा जिन्हें भी एशियाटिक प्रोविंसेस सीगियां, मतलब के एशियन प्रांत,
एशिया के जिन्ने भी प्रांत सीगे उन्हां सारे प्रांतों के उपर कंट्रोल कौन कर रहा सीगा? सेल्क्यूस निकेटर कर रहा सीगा। ओके, बट होया की आ कि सेल्क्यूस निकेटर जिहड़ा कि एशियाटिक प्रोविंसिस के उपर अपना राज कर रहा सीगा, मतलब सिस्टम नॉर्मल चल रहा सीगा, बट एदी हो जाती है डैथ, एदी हो जाती है डैथ। इस तो बाद की होंगे, इस तो बाद बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य की करता है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्क्यूस निकेटर के उपर अटैक करता है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्क्यूस निकेटर के उपर अटैक करता है। तो यह वाला अटैक होंगे 305 BC के विच, यह वाला अटैक होंगे 305 BC के विच। ते इस तो बाद की होया, अटैक तो बाद एक तो नो डाउट डिफीटेड, मतलब कि उन्हों हरा दिंदा है, आप जित जांदा है। अटैक तो बाद की होंदा है अफगानिस्तान दा, अफगानिस्तान दा उपजाऊ इलाका अपने कब्जे दे विच कर लेंदा है चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, दूसरा बच्चे सेल्क्यूस निकेटर नू 305 दे विचे हरा दिंदा है। तीसरा यह मैट्रीमोनियल अलायंसेस बनाउंदा है सेल्क्यूस निकेटर दे नाल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रीमोनियल अलायंसेस? मैट्रीमोनियल अलायंसेस मतलब के व्याहुता अलायंसेस, मतलब कि उत्थे व्याह वगैरह करवाउंदा है। ठीक है, ते इस वॉर तो बाद मैगस्थनीज नू चंद्रगुप्त मौर्य दे राज दे विच भेजिया जांदा है। तो तुहानू इहदे विचों काफ़ी डिटेल आ रही, आपां अक्सर पढ़ते रहे हैं, पिछले लैक्चर दे विच भी आपां ने पढ़िया है कि मैगस्थनीज जिहड़ा सीगा ओह चंद्रगुप्त मौर्य दे टाइम दे विच आया सीगा, उहनू सेल्क्यूस निकेटर ने भेजिया सीगा। आपां पढ़ते आ रहे हैं, हुण मेरे ख्याल च आपां नू स्टोरी थोड़ी जी होर क्लीयर हो गई है कि भी क्यों भेजिया सीगा। एक तो अपने मेरिटोरियल रिलेशन देखे कि उन्होंने व्यौता संबंध बना लिया दे नाल, दूसरा क्योंकि इन्हें अटैक करता सीगा अफगानिस्तान का उपजाऊ इलाका, इन्हें अपने अधीन ले लिया सीगा। ठीक है, सो ये कुछ एक रीजन सीगे जितों बाद, मतलब कि इन्हों रिलेशन तो अच्छा चलिया होगा, नो डाउट ताही भेजिया, अगर लड़ाई झगड़े वाला रिलेशन होंदा तो भेजदा क्यों। सो जो भी आ, यह थोड़ी थोड़ी जी स्टोरी दसनी सी पहला, तो हुण आपां जिहड़े भी रूलर्स होए ने इन्हां दे उन्हां बारे आपां कवर करदे आ। ठीक है, टोटल बच्चे जो आपां ने रूलर्स पढ़ने ने वह तीन रूलर्स पढ़ने ने, इन्हां बारे मैं जो अक्सर कहना कि नोट्स वगैरह बना लो भाई, अपने कापी पेन लेके बैठ जो नोट कर लो, मैं थोड़ा नाल दी नाल नोट करवा रहा। ठीक है, सब तो पहला सीगा चंद्रगुप्त मौर्य, सब तो पहला सीगा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा सीगा बच्चे बिंदुसार, ते तीसरा सीगा अशोका। यह तीन राजे हुए ने, इन्हां बारे हुण आपां ने पढ़ना है। सब तो पहला आपां ने जिवें पिछली लैक्चर दे विच, पिछले वीडियो दे विच भी आपां ने कवर किया है कि मौरियन रूल या फिर मौरियन एम्पायर बनन तो पहला केड़ा एम्पायर सीगा, सॉरी एम्पायर तो नहीं सीगा, केड़ी डायनेस्टी सीगी? नंदा डायनेस्टी सीगी, नंद वंश सीगा। ठीक है, नंदा वंश सीगा। तो इस वंश नू किने हराया सीगा? इस वंश नू हराया सीगा चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हैल्प ऑफ कौटिल्या, विद द हैल्प ऑफ चाणक्य, विद द हैल्प ऑफ विष्णुगुप्त, विद द हैल्प ऑफ विष्णु शर्मा। उन्हें चार बंदे नहीं है, एक बंदा ही है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, एक ही बंदे दे नाम ने। इसने हैल्प की सी चंद्रगुप्त मौर्य की नंदा नू हराउण दे विच, नंद वंश नू हराउण दे विच। ते उस तो बाद सारा इन्हों का मौर्यन एम्पायर जिहड़ा वो खड़ा होया सीगा। अंडरस्टैंड, दूसरा बच्चे आपां ने जो कवर करना है कि मैगस्थनीज, आपां हुणे हुणे जो पढ़ के हटे हाँ, वाज अ ग्रीक अंबेसडर, ग्रीक का अंबेसडर सीगा जिन्हों के सेल्क्यूस ने भेजा सीगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के विच। अगे आपने कवर करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक वड्डा एम्पायर खड़ा किया जिस दे विच बिहार, बंगाल,
वेस्ट का सारा पार्ट, नॉर्थ वेस्ट का सारा पार्ट, वेस्ट मतलब राजस्थान गुजरात, नॉर्थ वेस्ट मतलब अपने पंजाब वाला इलाका, हरियाणा वाला इलाका, उपर हिमाचल वाला इलाका, नॉर्थ वेस्ट का सारा पार्ट प्लस नीचे डेक्कन का सारा पार्ट, आह वाला पार्ट सारा डेक्कन का सारा पार्ट, दखण, दखण तो नहीं कहते वैसे डेक्कन, डेक्कन होर चीज़ा, दखण होर चीज़ा, डेक्कन का सारा पार्ट। सो ये उपर यह कब्जा हो चुका सीगा चंद्रगुप्त मौर्य का। ओके, इस तो बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बच्चे अडोप्ट किया जैनिज्म। इतने बहुत ध्यान दे नाल इस चीज़ को कवर करना है, अडोप्टड जैनिज्म, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडोप्ट किया। इस तो बाद बच्चे अगली चीज़ आ रही है, तो यह अडोप्ट करने तो बाद गया कित्थे सीगा, इन्हें नोट कर लियो, यह इंपोर्टेंट आ। वेंट टू, वेंट टू मतलब कि जाना सीगा इन्हें कित्थे, सरावा ना बैलगोला, स्पेलिंग वगैरह इधर उधर हो सकते हैं, तो अपनी प्रोनाउंसिएशन देख लियो, मतलब कि पेपर के ऑप्शन देख लो, अपन अंदाजा लग जूगा कि भाई आही सही ऑप्शन आ। बैलगोला यह है कितने है बच्चे, यह है नियर मैसूर, नियर मैसूर, मैसूर के नेड़े आए। ठीक है, आ जगह के उपर जैनिज्म को अडोप्ट करने तो बाद चलिया गया सीगा। किस दे नाल गया सीगा, यह गया सीगा बच्चे विद भद्र बाहू, विद भद्र बाहू के नाल गया सीगा, ते उत्थे ही यह इहदी डैथ हो गई सीगी। किवें डैथ हुई सीगी, बिकॉज ऑफ स्लो स्टारवेशन, बिकॉज ऑफ स्लो स्टारवेशन यदि उत्थे ही डेथ हो गई सी। तो अगली चीज़ बच्चे अपने को जो आ रही है, वह आ रहा है अपना नैक्सट जो अपना टॉपिक कवर करना, बिंदुसार। अच्छा, थोड़ा पता है कि बिंदुसार वास्ते जो अक्सर यूज़ किया जाता है वर्ड, एक कोटेशन यूज़ की जाती है, वो बारे आप डिस्कस करते हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य अपना एन एगा, इन्हें जैनिज्म अडोप्ट किया, अडोप्ट करने तो बाद इस जगह के उपर पहुंचया सीगा, तो इन्हें बिहार हो गया, बंगाल हो गया, या फिर वैसट, नॉर्थ वैसट, ईस्ट, नॉर्थ तो वैसट हो गया, तो नीचे डेक्कन हो गया, वह कब्जा किया सीगा, तो भद्रबहू के नाल यह इस जगह के उपर गया सीगा, तो स्लो स्टारवेशन के नाल इहदी डेथ हो गई सीगी। स्टारवेशन का बच्चे मतलब होंदा है भुखमरी, हौली 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 यह भुखमरी के विच बहिंदा गया, तो भुखमरी कारण इहदी डेथ हो गई सीगी। मैं उम्मीद करदा कि तुहानू यह पहला जो टॉपिक अपना पहला जो पार्ट है समझ आ गया होगा। बिंदुसार, बिंदुसार बारे एक चीज़ बहुत फेमस है, बिंदुसार एक महान पिता का पुत्र सी, बिंदुसार एक महान, ए पेपर च भी आ जाती है कई बार, बिंदुसार एक महान पिता का पुत्र सी, ते बिंदुसार एक महान पुत्र का पिता सी, बिंदुसार एक महान पिता का पुत्र सी, बिंदुसार एक महान पुत्र का पिता सी, इस गल नूं तुहाने ध्यान च रखना है। ठीक है, हुण आपां ने गल करनी है बिंदुसार की। बिंदुसार बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा सीगा है, जिहड़ा कि गद्दी दे उपर बैठिया। इस तो बाद बिंदुसार नूं दो सीज का जिहड़ा ओह कहा जांदा है, इहनूं कंक्यूड द लैंड बिटवीन द टू सीज, मतलब कि इन्हें दो समुद्रां दे विचकार दी सारी जमीन कंक्यूर कर ली सी, जित ली सी। दो समुद्र केड़े ने, एक है गए अरेबियन सी, अरब सागर, एक है गए बे ऑफ बंगाल, एक है गए अरेबियन सी, एक है गए बे ऑफ बंगाल, इन्हों दोनों के विचकार दी मतलब सारी जगह के उपर इन्हें कब्जा कर लिया। ठीक है, आप पढ़ते हैं अगे की कब्जा किया। कहते भी जो मौर्य एम्पायर का ज़्यादातर पार्ट सीगा, ज़्यादातर विस्थार होया सीगा, ज़्यादा एक्सपेंडेशन हुई सी, ज़्यादा फैलिया सीगा, वह बिंदुसार के टाइम च फैलिया सीगा। साउथ इंडिया तक यदि एक्सपेंडेशन हो गई सी, साउथ इंडिया सारा ही आ, साउथ इंडिया तक यदि एक्सपेंडेशन हो गई सी। तो मौरियन एम्पायर की अगर आप हम गल करिए, उपरों अफगानिस्तान तो लेके
नीचे केरला, तमिलनाडु, बांग्लादेश, परले पासे ईस्ट वाले पासे बांग्लादेश तक सारा फैलिया होया सी। इन्ने एक वड्डे लेवल दे उपर मोरियन जिहड़ा एम्पायर सीगा वो फैलिया होया सीगा। ठीक है, अगला बच्चे थेगा कि जिस टाइम इहदी डैथ होई सीगी ऑलमोस्ट एंटायर सब कॉन्टीनेंट कैम अंडर द मोरियन रूल। देख ही रहे हैं आपां अफगानिस्तान, उस टाइम तो पाकिस्तान होंदा नहीं सीगा, तो अफगानिस्तान दे नाल पाकिस्तान भी ऑटोमैटिकली इहदे पार्ट दे विच आ गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया दे विच नीचे केरला, केरला तो इलावा होर जड़ियां भी तमिलनाडु हो गया, यह सारा मतलब कि सारा इस द टाइम दे विच फैलिया होया सीगा। ऑलमोस्ट सब कॉन्टीनेंट दे उपर इहदा राज चलदा सीगा। सो इहदा टाइम पीरियड यही आ, इहदा अपने इन्ना की कवर करना सीगा। नैक्सट अपने कोल आ रहा है अशोका। अशोका दे राजा बनन तों, अशोक दे राजा बनन तों बिंदुसार दे मरण और अशोक दे राजा बनन दे विच तीन चार साल का गैप। आपां जदों तिने टॉपिक कर लेंगे बाद दे विच आपां इहनां दे ईयर वगैरह कवर करांगे कदों कौन बनिया सीगा कदों कौन बनिया सीगा। ठीक है, अशोका और बिंदुसार दे विचकार चार क साल का गैप आ, तीन चार साल का, जो जिस टाइम बिंदुसार मरिया तो जिस टाइम अशोका गद्दी ते बैठे। मसला की सीगा? मसला बच्चे यह सीगा कि अशोका नू जिस टाइम इहदी डैथ होई आ बिंदुसार दी डैथ दे समय, बिंदुसार दी डैथ दे समय अशोक नू तक्षशिला दा वाइस रॉय नियुक्त किया होया सी। नियुक्त किया गया सी या किया होया सीगा। अगला मसला यह आ कि बिंदुसार दा एक बेटा सीगा सुसीमा, बिंदुसार दा एक बेटा सीगा सुसीमा। सुसीमा बिंदुसार चाहुंदा सीगा कि सुसीमा राजा बने, बिंदुसार चाहुंदा सी कि सुसीमा राजा बने। हुण इधरों कौन चाह रहा कि राजा बना? मैं अशोक चाह रहा कि मैं राजा बना। तो अशोक कित्थे दा वाइसरॉय सीगा? तक्षशिला दा वाइसरॉय सीगा। तां होया कि अशोका ने बिंदुसार दे मतलब अपने फादर साहब दे एक मंत्री नूं, बिंदुसार दे एक मंत्री नूं, उहदा नाम सीगा राधा गुप्ता, राधा गुप्ता मिनिस्टर ऑफ बिंदुसार, मिनिस्टर ऑफ बिंदुसार, इहनूं पट लिया, इहनूं आपदे हक दे विच कर लिया, या इहनूं लालच दित्ता कोई भी, इहनूं अपने अधीन कर लिया। किता की इहनां ने? इन्होंने सुसीमा प्लस 99 अदर ब्रदर्स, मशहूर है मतलब जिहड़ा इन्हों का बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो देखने मिल रहा है, बुद्धिस्ट जिहड़ा सोर्स आ वह इस चीज़ की गवाही भर रहा कि बिंदुसार गद्दी लेनी चाहता सीगा बट सॉरी बिंदुसार सुसीमा नूं गद्दी देनी चाहता सीगा बट अशोका ने राधा गुप्ता जिहड़ा कि बिंदुसार का मिनिस्टर सीगा उहदे नाल मिलके सुसीमा प्लस 98 होर भरावां का कतल करता सीगा। ते ओ कतल करन तो बाद अशोका ने गद्दी लई सी। ठीक है, हुण अशोका बच्चे फस्ट रूलर सीगा जिन्हें डायरैक्ट कॉन्टैक्ट किया सीगा विद पीपल, फस्ट रूलर पहला राजा सीगा जिन्हें सीधा संबंध बनाया हुआ सीगा लोगों नाल, डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद पीपल, डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद पीपल, लोगों के नाल सीधा संबंध बनाया हुआ सीगा। ठीक है, तो इस तो बाद बच्चे की आ कि मैं सीधा संबंध बनाया हुआ सीगा, सीधा संबंध इन्हें बनाया हुआ सीगा अपनिया इनसक्रिप्शन के जरिए, किसी पत्थर के उपर कुछ खुदवाता, किसी पिलर के उपर कुछ कुछ खिदवाता, किसी जगह के उपर किसी कंध के उपर कुछ खुदवाता, कुछ लिखवाता, उस तरीके मतलब कि लोगों को अपना मैसेज दिता सीगा इस तरीके,
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਲਿੰਗਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਕਲਿੰਗਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਲਿੰਗਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿੰਗਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਿੰਗਾ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਲਿੰਗਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ, ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਇਹਨੇ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਉਹ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਮੌਂਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਸ ਜੋ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਰੂਲਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੋ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕਾਸ ਧੰਮ, ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧੰਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 269 ਬੀ ਸੀ ਈ ਤੋਂ 232 ਬੀ ਸੀ ਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿੰਦੂਸਾਰ। ਬਿੰਦੂਸਾਰ 297 ਬੀ ਸੀ ਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 273 ਬੀ ਸੀ ਈ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਹੈ ਇਹ 322 ਬੀ ਸੀ ਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 297 ਬੀ ਸੀ ਈ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੇਪ ਆ। ਉਹ ਗੇਪ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਸ਼ੀਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।